चल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी 10th स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 अ मैन बोरो रुपीज 8000 एंड अग्री टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट Each installment being less than the preceding one by rupees 40. Find the amount of first installment and last installment. A man borrow rupees 8000. मैंने क्या borrow करा? 8000 rupees borrow करा. मैंने क्या borrow करा? 8000 rupees borrow करा. 8000 लिया. और क्या बोल के सहमत हो गया? कि मैं and agree to repay with at total interest of rupees 1360 क्या बोला मैं इंटरेस्ट भरूंगा कितना 1360 वो भी इसके अंदर ऐड होएगा इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट यानी तुम्हारे को मालूम पड़ गया कितने इंस्टॉलमेंट है 12 मंथली इंस्टॉलमेंट यानी क्या कितने इंस्टॉलमेंट है 12 रुपीज नहीं 12 मंथली इंस्टॉलमेंट यानी एंड मालूम पड़ गया कितना है 12 अच्छा 8000 बोरो करा था और देगा कितना इंटरेस्ट के साथ 1360 के साथ तो ये पूरा क्या हो जाएगा ये पूरा टोटल हो जाएगा ना इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9360 कितने इंस्टॉलमेंट में 12 है ना नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना है 12 यानी ये हो जाएगा S12 कितना हो जाएगा S12 समझ गए ना टोटल हो जाएगा ना टोटल भर रहा है वो 8000 भी भर रहा है साथ ही साथ में 1360 भी भर रहा है फिर क्या बोल रहे हैं इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट कितने इंस्टॉलमेंट हर इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रेसिडिंग वन बाय रुपीज 40 देखो वो इंस्टॉलमेंट कितने इंस्टॉलमेंट भरेगा 12 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये 12 कितने इंस्टॉलमेंट हो गए 12 है ना कितने मंथली इंस्टॉलमेंट 12 मंथली इंस्टॉलमेंट समझो पहला इंस्टॉलमेंट है 1000 मैं समझो बोल रहा हूँ अज्यूम करो कि पहला इंस्टॉलमेंट 12 है तो वो क्या बोल रहा है हर इंस्टॉलमेंट ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन इस पे ध्यान दो क्या आ रहा है लेस देन द प्रेसिडिंग वन यानी पहले वाले से बाय रुपीज 40 यानी सब में अभी इधर 1000 है ना पहला इंस्टॉलमेंट इसके अंदर मैं क्या करूंगा 40 माइनस कर दूंगा जब 40 माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा 960 फिर वापस से मैं क्या करूंगा 40 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 920 तो इधर बोले ना हम लोग ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रेसिडिंग वन ये पहला आना था तो 40 माइनस करें ये दूसरा आना था इसके लिए ये पहला है तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए पहला है तो 40 माइनस कितना बचा 920 फिर क्या करेंगे 40 माइनस करेंगे 880 ऐसा करते करते कितना करने का 12 इंस्टॉलमेंट कितना फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट इंस्टॉलमेंट तुम्हारे को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किसको बोलेंगे ए को है ना ये फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ए को ये तो मैंने अज्यूम करा ए को भी बोलेंगे टी वन को भी बोलेंगे और लास्ट इंस्टॉलमेंट यानी टी एन और तुम लोग को एन मालूम पड़ गया कितने 12 यानी तुम्हारे को T12 फाइंड करने का T12 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी ए फाइंड करने का समझ आ गया और डी एस आई की वैल्यू एस एन यानी एस 12 की वैल्यू भी आ गया समझे चलो तो देखो अ मैन borrow rupees 8000 and agree to repay with a total interest of rupees 1600 in 12 monthly installment tum chaho to yahan se leke yahan tak statement same to same likh sakte hain agar thodi modify karna hai to tum aisa bhi kar sakte a man agree to repay rupees 8000 wapas se bharega na liya to 8000 dega na to khali 1360 thodi dega agree to repay rupees 8000 with interest samajh rahe hain interest of rupees kitna jagah nahi idhar pura wo ho jayega iske liye main idhar likh ke bata raha hu 1360 in
12 इंस्टॉलमेंट या 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, एक ही मतलब है, समझ है? मैंने मॉडिफाई करा, तुम ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा. अ मैन बोरो रुपीज 8000 एंड अग्री टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट. टोटल भरेगा ना, 8000 भी भरेगा और 1360 भी भरेगा, यानी एस 12 मंथ इंस्टॉलमेंट ना, यानी एन मालूम पड़ गया, एन कितना है 12, तो एस 12 क्या, एस 12 इज इक्वल टू 8000, 8000 भी भरेगा जो लिया था, प्लस 1360 भी भरेगा. 8000 प्लस 1360 कितना आएगा, 9360. काम हो जाएगा तो आ जाना, 9360. फिर उन लोग ने बोले ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय रुपीज 40, तो लिख के बताओ, each installment being less than the preceding one by rupees 40, by rupees 40. therefore ये जो installment जो मैंने बताया था ना, जैसे मैंने assume करा था कि पहला 1000 रुपया लिया, दूसरा ऐसा assume कर रहे थे ना, वो सब काय में रहेंगे AP. देखो ना, मैंने तो assume करा था पहला 1000 है ना, सबसे 40 का डिफरेंस होना था ना. therefore each installment being less than preceding one by rupees 40, मतलब जो भी installment पहला रहेगा वो 40 उससे क्या हो जाएगा माइनस, फिर जो आंसर रहेगा उसको 40 से माइनस, फिर जो आंसर रहेगा 40 से माइनस, तो वो सब क्या installment काय में रहेगा, AP में, क्या रहेगा AP में. तो अपन लिख के बताएंगे, therefore the installment आर इन एपी है ना, विथ कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा मालूम है, 40 ना, लेकिन यहां पे एक वर्ड आएगा लेस, इसके लिए माइनस, अगर मोर आएगा तो प्लस. अगर क्वेश्चन में आएगा ईच इंस्टॉलमेंट बींग लेस देन द प्रीसीडिंग वन बाय रुपीज 40, तो तुम लोग माइनस 40 लिखेंगे. अगर क्वेश्चन में आएगा ईच इंस्टॉलमेंट बींग मोर देन द प्रीसीडिंग वन बाय रुपीज 40, तो तुम लोग सिर्फ 40 लिखेंगे. यहाँ पे लेस 40 आ रहा है, इसके लिए माइनस 40, समझ आ गया, माइनस 40. तो फाइन क्या करने का है, फाइन द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एपी में ना, पूरा फर्स्ट जितने भी इंस्टॉलमेंट सब एपी में, क्योंकि सब 40 40 40 40 माइनस होते जाएंगे. तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को बोलेंगे ए या तो T1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और लास्ट इंस्टॉलमेंट को TN बोलते हैं, और तुम्हारे को नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मालूम है कितना है, 12 T12 है ना. अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट किससे मिलेगा, S12 से, क्योंकि इसकी वैल्यू दी है ना, TN की तो वैल्यू नहीं दी, तो S12 से. तो तुम लोग SN का फॉर्मूला लेंगे, काय का फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1D. S N कितना है, N मालूम है 12 है ना, N मालूम पड़ गया ना, 12 इंस्टॉलमेंट है, 12 अपॉन 2 ब्रैकेट 2, A की वैल्यू नहीं पता है, A फाइन करने का है ना, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइन करने का है, N पता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 है ना, माइनस 1, और D कितना है, माइनस 40, ब्रैकेट के बाद में माइनस 40 नहीं लिखते, तो ऐसा आ गया, समझे. अब ये 2 1 2 2 6 12 कैंसिल, क्या बचा, एस 12 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट 2A, 12 माइनस 1 11, बड़ा नंबर 12 उसके साइन है, प्लस 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 है ना, मल्टीप्लाई बाय माइनस 40. अब इसके अंदर ब्रैकेट आ रही है, तो बड़ी ब्रैकेट आएगी, बड़ी ब्रैकेट आएगी. ये सेम टू सेम मैं नेक्स्ट पेज पे ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ताकि तुम लोग को डिफिकल्टीज रहे, लेकिन कभी भी तुम लोग यहाँ से वो पेज पे कॉपी करेंगे तो 2-3 बार कंपेयर करने का, कभी कभार हम लोग लिखने में मिस्टेक कर देते, समझ है. तो मैं लिख रहा हूँ सेम स्टेटमेंट, क्या मिला था मेरे को, एस 12 इज इक्वल टू 6 बड़ी ब्रैकेट 2A प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस 40, समझ आ गया, मैंने लिख के बता दिया, मैंने लिख के बता दिया. Therefore, एक मिनट में गलती कर रहा हूँ, एस 12 की वैल्यू मेरे को मिली है कितनी, 9360. तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, एस 12 की वैल्यू जो मैंने लिखने भूल गया, तुम लोग ऐसी गड़बड़ी मत करना, 9360, ना तो तुम ए फाइंड ही नहीं कर पाएंगे,
9360 यहाँ पे भी वो आएगा क्या 9360 समझ है ना, ऐसी गड़बड़ी मत करना। 9360 6 और ब्रैकेट के बीच में कौन है मल्टीप्लाई, तो 6 आ जाएगा नीचे है ना, इज इक्वल टू क्या बचा 2a प्लस माइनस माइनस है ना, ये 6 को नीचे आ गया 2a प्लस माइनस माइनस 40 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 को 11 से मल्टीप्लाई 11 फोर 44 और ये एक जीरो 440 करेक्ट, ये कट होता है 2 3 6 2 4 8 वन कैरी ये 12 बन गया 13 बन गया 2 6 12 वन कैरी 2 8 16 जीरो 3 1 3 3 1 3 वन कैरी 3 5 15 वन कैरी 3 6 18 जीरो कितना आंसर आया 1 5 6 0 therefore 1 5 6 0 is equal to 2a minus 40 सही करने आता ना 440 ऐसी गड़बड़ी मत करना जैसे मैंने गड़बड़ी करा समझ है 2a minus 440 फिर क्या सही करेंगे ये इधर और ये इधर 2a minus 440 is equal to 1 5 6 0 नंबर को नंबर के पास भेजेंगे 2a is equal to 1 5 6 0 माइनस 440 उधर जाएगा तो प्लस 440 2a is equal to इन लोगों को प्लस करेंगे 1 5 6 0 को 440 में प्लस 0 का 0 है ना 0 प्लस 0 0 6 4 10 कैरी है 1 5 4 9 और एक 10 का 0 कैरी है 1 एक और एक 2 कितना है 2000 a is equal to 2000 upon 2 2 1 2 2 1 2 ये 0 और ये 0 therefore a is equal to 1000 first installment मिल गया अभी और find करने का last installment है ना first installment मिल गया a है ना last installment क्या है T12 ना तो तुम्हारा कौन सा formula लेना पड़ेगा TN is equal to a प्लस एन माइनस वन डी टी एन की वैल्यू मालूम है लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 टी 12 इज इक्वल टू a कितना है 1000 a 1000 मिला ना प्लस एन की जगह पे कितना है 12 माइनस 1 और d कितना था d इधर है d है माइनस 40 d कितना है माइनस 40 माइनस 40 टी 12 की वैल्यू ने दी है टी 12 फाइंड करने का है 1000 है ना 12 माइनस 1 11 बड़ा नंबर 12 उसके सामने प्लस और ये प्लस 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 मल्टीप्लाई बाय माइनस 40 दो साइन आजू बाजू में रहते हैं इसके लिए ब्रैकेट टी 12 ये 1000 को उधर भेज नहीं सकते क्योंकि ये टी 12 है समझे ना 1000 प्लस माइनस माइनस 11 इंटू 40 440 है ना 440 टी 12 इज इक्वल टू 1000 को 440 से माइनस 1000 को 440 से माइनस 0 में से 0 गया 0 0 में से 4 नहीं जाता है 10 में से 4 गया 6 9 में से 4 गया 5 560 तुम्हारे को लास्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गया 560 और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी मिल गया है ना 1000 आंसर डॉट क्या बोलो तुमने फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट तो आंसर डॉट लिखना है ना द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 1000 एंड द अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट में डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ तुम लोग अमाउंट ऑफ लिखना एंड द अमाउंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इज रुपीज 560 समझ गए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो 4 मार्क का